किसका? किंजा भाभी का फोन था। तुम्हारी किंजा भाभी मुझे क्यों फोन करेंगे? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। किंजा भाभी आपके बिना नहीं रह सकती। और अली और रमशा, उनका तो गुजारा ही नहीं है आपके बिना। मुझे ऐसा लगता है कि किंजा भाभी आपको कॉल करेंगी, आपसे माफी मांगेंगी और आपको बोलेंगी कि घर वापस आ जाओ। हरगिज नहीं फलक, मैं अब जीते जी उस घर में नहीं जाऊंगा। और प्लीज, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी मैयत वहां पर लेकर मत जाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जिस दिन आपको कुछ हो गया ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम इसीलिए मेरे साथ हो? या तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई और नहीं है? मैं नहीं जानती किसी को चाहना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे चाहे 10 सहारे भी मिल जाए ना, फिर भी मैं आपको चुनूंगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब भी सोचती हूँ ना आपको छोड़ दूँ तो मेरी सांस रुक जाती है, सांस नहीं आता मुझे। से बहुत प्यार करती हूँ तैमूर, बहुत ज्यादा। फलक, तुम्हारी मोहब्बत मुझे उस जमाने में मिली है जब जब मेरी मोहब्बत से एतबार उठ चुका है। शायद इसीलिए मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सका। जी किंजा बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बच्चे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। खाना भी खिला दिया था, अब कार्टून देख रहे हैं। हाँ हाँ, कपड़े भी चेंज करवा दिए थे मैंने। आप ये बताएं कि सुहेल साहब की तबीयत कैसी है अब? हेलो मामा, आप कहाँ हैं और बाबा कहाँ हैं? अली, परेशान होना बंद करो, पापा बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना होमवर्क करो, अपना भी ख्याल रखना है और अपने रमशा का भी ख्याल रखना है। मामा, पापा को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? हॉस्पिटल? शनाज के पेट में भी कोई बात नहीं ठीक थी। हॉस्पिटल इसलिए आए क्योंकि पापा के सर में थोड़ा सा दर्द था। मामा, कल मेरा मैथ्स का असिस्टेंट है और मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, और मैं कल पेपर कैसे दूंगा? आप प्लीज चाचा चाची को कह दे वो घर पे आ जाए ताकि वो मेरी तैयारी करा दे, और हमशा मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ती। आपको सब कुछ आता है, आप ट्राई करो, मैं घर आके आपको करवाती हूँ। ओके, रोना बंद करो। हेलो हेलो मम्मा, हेलो। Thank you.
सर जैसा आपने कहा था कि आपको फिनिश घर चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये घर आपके बजट में भी आता है और आपके लिए बेहतर रहेगा। सर ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं खुद भी फर्निश घर ही देख रहा था, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए? एक मिनट। हेलो, हाँ जाहिद, क्या हुआ, सब खैरियत है? सर कैसा, मैडम ऑफिस आई थी। क्यों, क्या कह रही थी? उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। क्या, लेकिन क्यों? अच्छा मैं समझ गया किस मकसद के लिए उन्होंने किया होगा। सॉरी सर, मेरा मकसद नहीं, नहीं तुम फिक्र ना करो। अभी जाहिद मैं जरा एक जगह पे आया हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। और हाँ, 2-3 दिन तुम घर पे रिलैक्स करो, मैं तुमसे फिर बैठ के बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर।